नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। मैं हूं लक्षिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिलते ही लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया, पर फिर भी वह अपने सांसद के दर्जे को वापस पाने के लिए अध्यक्ष के पास जा सकते हैं। अगर उन्हें 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए सेशन कोर्ट से न्यायिक आदेश मिलता है तो असल में राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने के लिए अदालत ने 30 दिनों के लिए जेल की सजा को निलंबित कर दिया था। वहीं जिसको देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि गांधी को जल्दी से एक बेहतर अदालत में जाना होगा और चुनाव आयोग के सामने आने से पहले अपनी लोकसभा सदस्यता को फिर से पाने के लिए सजा को निलंबित करवाना होगा और अगर ऐसा होता है तो उनकी सदस्यता फिर से बहाल की जा सकती है। वहीं साथ में वरिष्ठ वकील और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी ने अपने विचार से कहा कि अगर राहुल गांधी को उच्च न्यायालय में स्टे मिल जाता है तो अयोग्यता स्थगित हो जाती है और चूंकि सजा को 1 महीने के लिए निलंबित रखा गया है इसलिए अयोग्यता अवैध है। और इसी के बारे में आगे कहते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुकदमा अब समाप्त हो गया है, दोष सिद्धि और सजा हो चुकी है और किसी भी मामले में अगर दोष सिद्धि पर रोक लगती है तो गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।